एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शफक जाफरी एंड आई एम आयत फातिमा जाफरी। अच्छा, आजकल माएँ बड़ी परेशान होंगी क्योंकि हैं स्कूल हॉलीडेज और बच्चे कर रहे होंगे तंग, सो नहीं रहे होंगे और आपको सुबह जॉब पे जाना होगा। आपको निहायत तंग कर रहे होंगे क्योंकि कोई नई नई चीजें इनको रोज खानी होंगी। और जब आप जॉब से वापस आएंगे तो घर पूरा फैला हुआ होगा और आपको सारी सफाई करनी पड़ेगी। तो आज हम आयत से जानते हैं कि गुड गर्ल्स, प्यारे से बच्चे कैसे होते हैं जो अपनी स्कूल हॉलीडेज में मम्मा को तंग नहीं करते और कॉपरेट करते हैं क्लीनिंग में, कुकिंग में। सो लेट्स स्टार्ट। चले जी, ब्रेक के बाद हम आ गए वापस और हम आयत से जानते हैं आयत के डे का आगाज कैसे होता है। आयत, जब आप सुबह उठती हैं तो आप क्या करती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई गो ईट ब्रेकफास्ट, annoy her, and then I go look for random food, then I get bored, I watch TV, but then I get even bored. सबसे पहले जो रूल है, जब आप उठेंगी तो क्या करना होगा आपको? Oh yeah, forgot that. I have to clean the bed, then I brush my teeth, brush my hair, wash my face. तो अपने बच्चों को ज़रा चेक करिएगा, मुंह धोते हैं तो ब्रश नहीं करते, ब्रश करते हैं तो मुंह नहीं धोते, और बालों का हाल तो ये हो जाता है, जब कंघी नहीं करते तो बाल आगे करके गर्ल्स खाना खाती हैं तो बाल गंदे हो जाते हैं। कितनी सारी शिकायतें हैं मदर्स को। तो ऐसे तो नहीं होता ना, आप तो बाल ब्रश करती है। 100 ओके ओके। अच्छा ये बताएं कि नेक्स्ट आप क्या करती हैं? आप ब्रेकफास्ट खाती हैं? Yes. तो ब्रेकफास्ट खाने के बाद वो जो खाली प्लेट्स कप वो कहाँ रखते हैं? जहाँ खाती है वहीं छोड़ देती है? Like when I eat, I always remember do not drink juice after you brush your teeth. अब हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट मसले पे। ब्रेकफास्ट खाने के बाद खाली बर्तन ये बच्चे कहाँ रखते हैं? We put them on the counter, but I will remember to put them on dishwasher or sink. नहीं, ये मैंने कहा था, यानी कहाँ रखने नाश्ता करने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद बर्तन कहाँ रखने? The dishwasher and the sink. Okay. और अगर धो सकती है तो? Wash them. Wash them. Very good. So, बच्चों ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो remember, first rule, आपका गंद आपने खुद साफ करना है, आपकी मम्मी ने नहीं। अच्छा ये भी एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि मम्मी ने अगर रूल्स बताए तो डैडी से जाके कह देना, डैडी हम नहीं कर सकते, आप कर दें। और डैडी तो बहुत ही पैम्पर करते हैं बच्चों को, तो डैडी फौरन मान जाते हैं। I'm his boss. Mommy is always boss. So, डैडी से नहीं कहना है, मम्मी की शिकायत नहीं करनी, बल्कि अपने बर्तन खुद धोने, जगह पे रखने। अच्छा भाई, आप दिन में कितने क्लोथ्स चेंज करती हैं? Yeah, I think. Do I? Yes. जब आप बाहर खेल कर आती हैं या बीच पे जाती हैं या आप चॉकलेट गिरा लेती हैं या स्लाइम, ओ स्लाइम जो होता है वो इतना गंद फैलाता है, वाटरी स्लाइम जो है, जो इनके कपड़ों पे भी लगा होता है, जो लगा है अभी, जो दैट्स फूड, फूड भी गिरता है कपड़ों पे और कपड़ा भी गंदा होता है, तो फिर वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है साफ करना? डैडी। वो जो क्लोथ्स आप बार बार डर्टी करती हैं उसको वॉशिंग मशीन में जाकर कौन डालेगा?
daddy. वो क्लोथ्स वॉशिंग मशीन में आप डालेंगी. ओके ओके. वॉशिंग मशीन में पाउडर डालना और बटन दबाना ऑन कर देना वो भी कोई मुश्किल है? I can put it in, but doing that button job, I have no idea. So, आप अपने बच्चों को सिखा दें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी. लेकिन hold down, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा. तो बेहतर ये है कि आप बच्चों को सिर्फ इतना कहें, अपने dirty clothes, कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए. बाद में कौन चलाएगा? Me? Daddy? यानी मम्मी का काम आसान करने का फॉर्मूला है डैडी. अच्छा ये बताएं कि घर में जब अच्छा सा खाना बना होता है फिर भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये आपकी फेवरेट डिश नहीं है और आपको कुछ और खाना है? I don't know. It's just random coming. If I don't like it, I don't like it. Oh my God, यानी आपकी चॉइस के मुताबिक खाना बने. और घर में अगर तीन बच्चे हों, दो आपके बड़े भाई और एक आप, तो फिर किसकी पसंद का खाना बनना चाहिए? You और बड़े भाई क्या करेंगे? Uber Eats. But Ursa does that all the time. अच्छा अपने अपने भाइयों की शिकायत नहीं करनी, लेकिन Uber Eats ने बड़ा काम आसान कर दिया इन बच्चों का. हमारे लिए तो मुश्किल कर दिए क्योंकि पैसे तो डबल खर्च होंगे. तो रूल नंबर टू, जो खाना पके उसको मिल बांट के शुक्र करके खा लें, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको खाना मिलता ही नहीं है. तो आपका रूल ये कहता है कि एक दिन आपकी पसंद से बनेगा, एक दिन दूसरे भैया की पसंद से बनेगा, एक दिन तीसरे भैया की पसंद से बनेगा. अब जिसके यहाँ जितने बच्चे हैं, एक दिन मम्मी की पसंद का भी खाना खाना पड़ेगा ना. ये बच्चे हर वक्त मोबाइल के आगे बैठे होंगे. मम्मा तो मोबाइल नहीं देंगी, आई एम श्योर. But if we're not allowed to use phone, why do you use the phone all the time? पक्की बेइज्जती हो गई हमारी. मम्मा तो मोबाइल फोन इसलिए यूज करती है कि उनको कुछ काम होता है, बात करनी होती है, बिजनेस डीलिंग होती है, एसोसिएशन का वर्क होता है. You sure? Because I see you watch video. बच्चों की हम सब पे नजर है. अच्छा तो मम्मा की एज क्या है और आपकी एज क्या है? बता मत देना आप एज. बता रही है कि मम्मा तो इतनी बड़ी होने के बाद मोबाइल यूज करती है ना, आप ये चुपके चुपके पापा का मोबाइल क्यों यूज करती है? स्पीचलेस. सो अब रूल क्या होना चाहिए? रूल ये होना चाहिए कि स्क्रीन टाइम शॉर्ट हो, बुक्स रीड करें, बोर्ड गेम्स खेलें, बैकयार्ड या फ्रंट यार्ड पे जाएं या पार्क चले जाएं. क्या पसंद है आपको? कुछ भी नहीं पसंद है. Wait, let me think. Oh, I know, puzzles. हाँ, तो पजल्स लेकर आए, पजल्स खेलें. वैसे मुझे याद है कि आप आए तो स्टोरी टाइम्स करती थी और बहुत फेमस थी. वो करना क्यों छोड़ दिया आपने? इस मोबाइल से उठाइए, स्टैंड पे लगाइए, कुछ अच्छी सी चीजें रिकॉर्ड कर दीजिए. आयत बेगम. व्हाट्स बेगम? मैडम. ओह, यू कुड हैव जस्ट सेड मैडम. ओके, पर हमारे जमाने में बेगम कहा जाता था. ओके ओके. सो प्रॉमिस, आप लोग भी हमें अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करके भेजेंगे. इसी तरह अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ, भैया के साथ, सिस्टर के साथ चिट चैट मजे की और हमें भेजेंगे और हम अपवर्ड किड्स विंग में आपकी इस वीडियो को डालेंगे. लेकिन पहले आपको भेजना होगा पहचान टीवी को. तो आपने क्या करना है पहचान टीवी को? राइट करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब. ओके, और अपनी वीडियोस बना के भेजनी है. वीडियो? मुझे स्मेल आ रही है. आपने स्टोव पे कुछ रखा तो नहीं है? ये कुछ लेट नाइट नूडल्स खाने का इरादा तो नहीं है? औरत की बच्ची. मैं जाती हूँ चूल्हा बंद करने के लिए. Before you say, I'll tell you who I saw eating noodles. मैं चूल्हा बंद करने जाती हूँ और इनकी बातें सुनती हूँ. आप भी अपना बहुत ख्याल रखें क्योंकि आप बींग अ मदर बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही होंगी, सफर कर रही होंगी, लेकिन
ये बच्चे बहुत प्यारे हैं, इनको जैसा डील करेंगे ये वैसे ही बनेंगे। प्यार कर रही हूँ, अब तो मुँह अच्छा बना दो, स्माइल। यस, इनको सही तरबियत देना, इनको गाइड करना हमारा काम है। तो आए मिलके इनके साथ छुट्टियाँ भी इंजॉय करते हैं और इनको अपने बचपन की बातें भी सुनाते हैं और बताते हैं कि हम अपने पेरेंट्स की मदद कैसे करते थे। साथ साथ इस दौर के बच्चों का अंदाज डिफरेंट है, तो चले मैं भी इनके साथ नूडल्स खाती हूँ, लेट नाइट नगेट्स भी खाती हूँ और इंजॉय करती हूँ। आप भी इंजॉय करें, पहचान टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ईट नगेट्स पहचान टीवी के फेसबुक पेज को भी, इंस्टा पे भी हमको फॉलो करें, ट्विटर पे भी हमको फॉलो करें और इंशाल्लाह हम लेकर आएंगे मज़ेदार चिट चैट बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ। आप भी हमें अपनी कोई मज़ेदार वीडियो भेज सकते हैं। देखते रहिए पहचान टीवी, नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें, खुदा हाफिज़, गुड बाय। Goodbye, I'm gonna go eat nuggets.